हिमाचल में दस्तक देने के बाद ही मॉनसून कमज़ोर पड़ गया है। प्रदेश में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद पिछले 3 दिन से कुछ ही स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान सामान्य से 32% कम और पूरे जून माह में सामान्य से 49% कम बादल हिमाचल में बरसे हैं। हालांकि मंगलवार को राजधानी शिमला सुबह से धुंध की आगोश में है और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कांगड़ा में भी सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आई है, जिससे हिमाचल में तेज़ हवाएं नहीं आ रही हैं और प्रदेश में कुछ स्थानों पर ही बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि 5 से 6 जुलाई के दौरान प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। क्या बोले मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल, सुनिए। एक तो ये है कि बंगाल की खाड़ी में जो सक्रियता है, मॉनसून की जो एक्टिविटी है थोड़ी कम है, तो वहाँ पे मॉनसून का कमज़ोर होना मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे तेज़ हवाएं नहीं आ रही हैं, बहुत बड़े साइज़ की हवाएं नहीं आ रही हैं, तो उससे आप देख रहे हैं कि स्कैटर्ड बारिशें हो रही हैं। हो तो रही हैं बारिशें, लेकिन वो गिना चुना जिलों में हो रही हैं और वाइड स्प्रेड बारिशें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो ये मुख्य वजह उसकी ये है कि एक तो ये मानसून कुछ स्लो मोड में है अभी, जो कमज़ोर मोड में जो आप देख रहे हैं अभी मानसून, और अगले 48 आवर्स में इसमें कुछ बढ़ोतरी होगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत तेज़ बारिशें आ जाएंगी, हर जिले में बारिश होंगी ऐसा, लेकिन कुछ बढ़ेंगी बारिशें अगले 48 आवर्स में। और उसके बाद फिर से जो है 5-6 में एक पश्चिम विक्षोभ भी आ रहा है, उससे भी कुछ और जिलों में जो है थोड़ा बेहतर होगी मानसून। तो 5 से 6 दिनों में मानसून बेहतर रहेगा और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में भी यह संभावना है कि ठीक मानसून थोड़ा ठीक रहेगा। हमने येलो अलर्ट रखा हुआ है 3 से 4 दिन, बीच बीच में जो जिले हैं उनके कुछ पॉकेट्स में जो है हैवी रेनफॉल के चांसेस भी हैं। सर ने जो अलर्ट रखा है उसमें जिला बिलासपुर है, शिमला है, सोलन है, कांगड़ा है, मंडी के कुछ एरियाज हैं, हमीरपुर और ऊना, इन जिलों में एक से दो जगह पे। जैसे हम जिले की बात करते हैं तो जिले का तात्पर्य है कि उस जिले के जो है कुछ 25% एरिया में चांसेस हैं, और उसको जो हम फिर जो है अपने डिटेल बुलेटिन जो जाएगा उसमें बताएंगे। और उसके बाद जो है 3 से 5 घंटे का जो हमारा नाव कास्ट होता है उसमें जो हम तहसील लेवल पे भी और ब्लॉक लेवल पे भी बताते हैं कि कहाँ पे जो है बारिश के ज्यादा चांसेस हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।